हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू नडी एनिमेशन चैनल में। आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे एक प्रॉपर एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं विद बैकग्राउंड और बैकग्राउंड म्यूजिक। प्रॉपर एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए हम दो सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, एक एनिमेट सीसी और एक प्रीमियर प्रो। एनिमेट सीसी में हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे और प्रीमियर प्रो में हम बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट डालेंगे। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट कर लिया है। मैंने इसमें 5 ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट किया है, जैसे कि ट्री, बुश, बैकग्राउंड, बटरफ्लाई और काओ। इन सबको हम मिला जुला के एक अच्छा सा एनिमेशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हमें बीजी को रेडी कर लेना है। बीजी हमें कितना बड़ा करना है वो हम पहले से सेट कर लेंगे इस कैरेक्टर को देखकर। कैरेक्टर और बैकग्राउंड दोनों एक दूसरे से मैच होने चाहिए। मैं फिर इन दोनों को मैच कर देता हूँ। पहले मैं बैकग्राउंड को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये सभी चीज़ों को, जो बुश और ट्री हैं, इनको मैं साइड कर देता हूँ और बैकग्राउंड को बड़ा कर लेता हूँ। आप ये देखिए, जब भी कोई चीज़ पास होती है तो वो बड़ी दिखती है और जो दूर होती है वो छोटी दिखती है। अगर यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड सही लगता है, यानी कि जो पीछे घर दिख रहे हैं वो इस गाय से मैच होते हुए दिखते हैं, तो फिर हमें उसे इतना ही रख देना है। फिर इस ट्री को देखना है, अगर ये इस ट्री से मैच होता है तो हम ऐसा ही रखेंगे, लेकिन ये मैच होता हुआ नहीं दिख रहा तो इसे हम थोड़ा और बड़ा करेंगे और इसे इतना रख देते हैं। अब इसके बाद इसको सिंबल क्रिएट कर देते हैं। इसको मैं बीजी नाम से सिंबल क्रिएट कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे ही मैंने सिंबल क्रिएट किया तो जो गाय का कैरेक्टर ऊपर था वो पीछे चला गया, तो मैं इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाकर सेंड टू बैक कर देते हैं। अब फिर ट्री को लाते हैं। ट्री को हम यहाँ पे रखेंगे और बुश को भी लाएंगे, बुश को हम यहाँ रखेंगे। ये जो बटरफ्लाई है, इस बटरफ्लाई को इस बुश के साथ रखेंगे। मैं इसको और बुश को एक साथ एक सिंबल क्रिएट कर देता हूँ। F8 प्रेस करेंगे और इसका नाम बुश और बटरफ्लाई दे देते हैं। इसको हमें ग्राफिक में ही बनाना है। अब इस ट्री को भी हम सिंबल कर लेते हैं। F8 प्रेस करेंगे, इसको हम ट्री नेम दे देते हैं। इसे भी ग्राफिक में रखेंगे और ओके कर देते हैं। इस बुश को सबसे ऊपर रखेंगे। अगर ये चीज़ पीछे रहेगी तो ये गाय हमें इसके ऊपर चलती हुई दिखाई देगी और ये ट्री भी हमें अलग दिखाई देगा, तो हम इस बुश को सबसे ऊपर रखेंगे। तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप वाला एरो प्रेस करना है, तो ये ऊपर आ जाता है। अब इधर जूम करके देखते हैं कि ये जो गाय का पैर है वो कहाँ है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। और ये बैकग्राउंड है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ पर ये प्रॉपर मैच सा लगे। ओके, इसे हम इतना कर देते हैं। अब इन सबको हम डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देंगे, यानी कि इन सभी को अलग अलग लेयर्स पर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देना है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+D। अब ये देखिए, ये सभी अलग अलग लेयर्स पर डिवाइड हो गए हैं। अब हम इसकी फ्रेम को बढ़ाएंगे। इसको मैं अभी 100 फ्रेम तक रखता हूँ और फर्स्ट की पर आकर इन सबको थोड़ा सा आगे की तरफ कर देते हैं। इस बुश को भी आगे की तरफ ऐसे कर देते हैं। ये जो ट्री है इसको भी मैं इधर कर देता हूँ। और लास्ट में आकर, यानी इस फ्रेम पर, इन सभी पर की लगा देंगे सिवाय इसके। यहाँ पर हम की लगा देते हैं और इन सबको हम मूव करेंगे। जैसे ये देखने में लगे कि ये मूव कर रही है, यानी कि ये गाय मूव कर रही है, ऐसे ही हम बैकग्राउंड को मूव करेंगे। मैं इस बुश को पीछे की तरफ खिसकाता हूँ, इस ट्री को मैं हल्का सा इधर खिसकाता हूँ, इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा खिसकाऊंगा और इन पर क्लासिक ट्री लगा दूंगा। फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ से प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड को और भी ज़्यादा करना है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो भी मूव होता है। इसको प्ले करते हैं और कैमरा लगा के देखते हैं, तो ये इस तरीके से वॉल करेगी और जो ट्री है वो इस तरीके से रहेगा। इसको फिर से फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं। इसका जो एनिमेशन है काफ़ी स्लो है और काफ़ी छोटा है, तो इसके फ्रेम को बढ़ा देते हैं। मैं इसके फ्रेम को 200 तक कर देता हूँ।
अब यहाँ जाके देखते हैं, यहाँ पर हमें इसको 200 फ्रेम तक कर देना है। अब वापस फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं। अब ये देखिए, ये जो ट्री है ये काफ़ी आगे है, तो मैं इसको यहाँ पर आगे की तरफ खिसका देता हूँ। और इस वाली की पर जो लास्ट वाली की है इसको मैं यहाँ पर आगे की तरफ रख दूंगा, और ये बुशेस हैं इनको मैं इस तरीके से आगे की तरफ कर दूंगा। अब ये जो बैकग्राउंड है इसको भी मैं इस तरफ मूव कर देता हूँ। और फिर से फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करके हम सिर्फ कैमरे का देखेंगे, जो भी हमें कैमरे के अंदर दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर देता हूँ ऐसे। अब इसे क्लिक करता हूँ, अब इसे प्ले करके देखते हैं। ओके, तो हम इस एनिमेशन को ऐसे ही रखेंगे, लेकिन ये जो बुश है काफ़ी ऊपर की तरफ है, इसको मुझे नीचे करना पड़ेगा। तो मैं इस बुश की लेयर को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर इसको शिफ्ट के साथ नीचे कर देना है। मैंने इसको 4 बार नीचे किया है, तो मैं इधर भी लास्ट वाली की पर आते ही इसको भी 4 बार नीचे कर देता हूँ। अब फर्स्ट फ्रेम पर जाते हैं और इसको प्ले करके देखेंगे। फिर से इसको क्लिक करना है, क्लिप कंटेंट आउटसाइड द स्टेज, और प्ले करके देखना है। यहाँ पे देखिए, इसका जो एनिमेशन है वो अच्छा तो चल रहा है, लेकिन जो इसकी गाय है काफ़ी स्लो में फील हो रही है। तो हम इसका जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इसको 150 पर कर देते हैं, और फिर से प्ले करके देखते हैं। अब यहाँ पे जो गाय है वो अच्छे से प्ले होते हुए दिख रही है, लेकिन ये बटरफ्लाई है ये मूव नहीं हो रही, क्योंकि हमने इस बुश को ग्राफिक किया था लेकिन अंदर जाके इसकी फ्रेम को नहीं बढ़ाया था। तो मैं इसके अंदर जाकर इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर देता हूँ, ताकि ये दोनों अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड हो जाएं। फिर इसकी फ्रेम को हम 150 तक बढ़ाएंगे, क्योंकि जो बैकग्राउंड है पीछे वो भी 150 फ्रेम तक है, तो इसको भी 150 फ्रेम तक रख देते हैं। और फिर बाहर जाते हैं, यहाँ से हम इसको प्ले करके देखते हैं। ये जो घर का बैकग्राउंड है इसको भी थोड़ा सा मूव करेंगे। अब हम यहां पर एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये गाय बोल रही हो, यानी कि ये गाय चिल्ला रही हो, इस तरह का हम इसमें इफेक्ट डालेंगे। मैं बाहर से एक साउंड इफेक्ट लेकर आता हूं और इसमें इंपोर्ट कर देता हूं। उसके लिए मैंने पहले से ही एक लेयर ले रखी है, मैं इसी लेयर पे ही उस साउंड इफेक्ट को डालूंगा। तो देखिए, मैंने साउंड इफेक्ट को एनिमेट सीसी पे इंपोर्ट कर लिया है। इसको मैं बढ़ा के दिखाता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब इसको मैं स्प्लिट करूँगा और इसको मैं आगे ले जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे राइट क्लिक करना है, सिर्फ इसी ऑडियो की लेयर पर मैं राइट क्लिक करूँगा और इसे स्प्लिट कर देता हूँ। फिर इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, इधर से भी मैं F6 करके हटा दूंगा। फिर इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे आगे ले जाऊँगा। इसे मैं देख लेता हूं कि मैं कहां पे रखूं। पहले मैं यहां से प्ले करूंगा इस एनिमेशन को। जो ये ट्री है इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं। फिर लास्ट वाली की पर जाते हैं, यहां हम इस फ्रेम को बढ़ाएंगे, इसको मैं 200 फ्रेम तक रख देता हूं। इसको मैं यहां तक सेट कर दूंगा, और जो ये वाला पार्ट है इसको भी रिमूव कर देते हैं। इधर से हम जो ये ट्री था इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। फिर फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं और प्ले करके देखते हैं। ओके, ये जो ट्री है काफ़ी स्लो चल रहा है, जैसे कि ये रुका हुआ है, तो मैं इसको और भी आगे की तरफ ले जाऊँगा। और फिर से प्ले करते हैं, इसको थोड़ा और एनिमेशन देना है, यानी सबको एनिमेशन देना है, क्योंकि मैंने इसकी फ्रेम को बढ़ाया था, तो मैं इसको फिर से एनिमेशन दूंगा। और जो बैकग्राउंड है इसको भी थोड़ा सा मूव करते हैं और यहां से प्ले करके देखते हैं। इसकी जो बुश है इसको थोड़ा सा और पीछे करेंगे, अभी अच्छे से इसका एनिमेशन वर्क कर रहा है।
अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि इसकी जो वॉइस है उसको सेट करना है। देखिए जैसे ही पेड़ के आगे आ जाएगी यहाँ से हम इसका बोलने वाला एनिमेशन लगाएंगे जिसमें इसका सिर्फ माउथ ही ओपन होगा। जैसे कि यहाँ से इसकी साउंड शुरू हो रही है तो मैं यहाँ पर एक की लगाता हूँ, सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना है। पहले इन सब पे लॉक लगा देते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करना है, इधर एक की लगानी है, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर आना है, यहाँ पे यहाँ देखते हैं कि जो इसकी साउंड है ख़त्म कहाँ पर हो रही है। यहाँ पे इसकी साउंड ख़त्म हो रही है तो यहाँ पर एक की लगा देते हैं, इससे थोड़ा सा आगे मैं यहाँ पर एक की लगा देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम किसी भी वॉइस के साथ एनिमेशन को बनाएं तो उसके कई तरीके होते हैं। मेरा इसमें ये तरीका है कि मैं बाहर से इसका जो माउथ है वो ओपन करके लाऊंगा और फिर यहाँ पे रख दूंगा, और इसकी जो वॉल साइकिल है वो उसके साथ मैच होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर की लगा रहा हूँ और एक की यहाँ पे लगा रहा हूँ। और मैं इसको कट करके या फिर कॉपी करके भी ले जा सकते हैं, मैं इसको कट करके ले जा रहा हूँ और न्यू सीन पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने उसे पेस्ट कर दिया है। अब इसका जो माउथ है वो ओपन करना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने इसको 74 फ्रेम से उठाया है, यानी कि जहाँ मैंने की लगाई थी वहाँ इसकी 74 फ्रेम थी, तो वहीं से मैंने इसको कॉपी करके या फिर कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो इसकी फ्रेम अब भी 74 है। तो इसी में ही मुझे जो इसका माउथ है या फिर इसका जो इसका सिर है वो ऊपर करना है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी जो लेयर है ये वाली, इस पर की लगाऊंगा और नेक्स्ट की पर इसका जो सिर है वो ऊपर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ से जब सिर ऊपर जाएगा तो इसका जो माउथ है वो भी ओपन होगा। तो मैं यहाँ पर अंदर जाकर एक की लगाता हूँ, फ्रेम पिकर से जो इसका माउथ ओपन है वो ले लेता हूँ। अब बाहर जाते हैं, अब यहाँ पे प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे फिर से इसका माउथ नीचे जा रहा है तो मैं इस वाली की पर भी इसको ऊपर कर देता हूँ, फिर इस वाली पर भी इसको ऊपर कर देंगे। अब बाहर जाके इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो इसकी फ्रेम जो है वो चेंज नहीं करनी, जैसी है वैसी रखनी है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ले जाकर पेस्ट कर दूंगा और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हम प्ले करके देखेंगे। अब आप देखिए कि प्रॉपर वॉइस के साथ कैसे मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे झटका सा ले रहा है क्योंकि जो इसका माउथ है वो फिर से वन फ्रेम से स्टार्ट हो जाता है, वो भी यहाँ से। तो हम यहाँ पर फिर से इसके अंदर जाएंगे और इसके सिर को ऊपर कर देंगे और इसके अंदर जाकर जो इसका माउथ है उसको ओपन माउथ में रखेंगे, फिर बाहर जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इसका माउथ है कहाँ पे नीचे आना चाहिए, तो हम यहाँ पर इसका माउथ नीचे लाएंगे। तो हम फिर से इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर एक की लगाते हैं, फिर इधर इसके सिर को ऊपर करेंगे, इसकी को हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, इसकी को रिमूव कर देते हैं। फिर अब यहाँ पर इसका जो माउथ है मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, इसके अंदर जाकर एक की लगाते हैं और इसको क्लोज माउथ में रख देंगे। अब बाहर जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो एनिमेशन है वो कैसा बना है। अब हमारा एनिमेशन वीडियो बनके तैयार है, अब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल में हम एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट वीडियो मीडिया एनकोडर कर देते हैं और क्लिक कर देते हैं। इसकी जो सेटिंग है वो डिफॉल्ट ही रहने देनी है। अगर आपको फोल्डर चूज करना है तो यहाँ से आप चुनिए कि आप किस फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर डाउनलोड में सेव कर देता हूँ और एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जिसे हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वो वीडियो एनकोडर में ऑटोमेटिक इंपोर्ट होकर उसको MP4 में कन्वर्ट कर देगी। तो आप इसे टिक लगा लेना। फिर मैं इधर एक्सपोर्ट करता हूँ और ये एक्सपोर्ट होने लग जाती है SWF फाइल में। एक्सपोर्ट होने के बाद जो हमारी वीडियो है वो इस तरीके से दिखेगी। अब हम इसे प्रीमियर प्रो में ले जाकर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रीमियर प्रो को ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा, यहाँ पे मुझे नेम फिल करना है। फिर प्रोजेक्ट लोकेशन पे जाना है, यहाँ पे मुझे फोल्डर चूज करना है जिसमें मुझे इस फाइल को सेव करना होगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे जाकर चूज लोकेशन पे जाऊंगा,
फिर मैं यहाँ से एक फोल्डर को चूज कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं रखूंगा। मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर रख देता हूँ, मतलब इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और इसको सेलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। अब इसके बाद इधर जाएंगे, यहाँ पर हम क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट होने के बाद न्यू प्रोजेक्ट खुलकर आएगा। अब हम इसमें वीडियो एडिटिंग करेंगे। वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक वीडियो की जरूरत पड़ेगी। बिना वीडियो के यहाँ पर कुछ भी हम एडिट नहीं कर सकते। तो वीडियो को हम इंपोर्ट करेंगे, हम उसी वीडियो को इंपोर्ट करेंगे जिसको हमने एनिमेटेड सीन्स में बनाया है, यानी कि उस स्टोरी को ही यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो मुझे बस क्या करना है, मुझे फोल्डर में जाना है और जहाँ पे मैंने एनिमेशन क्रिएट करके सेव किया था वहीं से मैं उसे उठाकर सीधा ड्रैग कर प्रीमियर प्रो में लाऊंगा और यहाँ पर छोड़ देना है, और मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। फिर इसके बाद इसे उठाकर इसे ड्रैग करके यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी एडिटिंग करेंगे। हमने ये जो सीन है वो 6 सेकंड का बनाया है, इसे मैं प्ले करता हूँ। इसके अंदर सिर्फ एक ही वॉइस है, वो भी सिर्फ इस गाय की। अब मैं इसके अंदर एक म्यूजिक लाऊंगा, तो यहाँ पर सिर्फ बाहर जाना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने सभी साउंड इफेक्ट और म्यूजिक डाल रखे हैं। मैं यहाँ पर इस म्यूजिक को डालूंगा। ये सभी साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने टेलीग्राम पर सभी को शेयर कर रखे हैं, आप सभी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब कॉपीराइट फ्री है, इन्हें आप इजीली यूज कर सकते हैं। मैं इसको सीधा ड्रैग करके प्रीमियर प्रो में ले जाता हूँ और यहाँ पर छोड़ देता हूँ। फिर इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पर सेट करूंगा और इसकी वीडियो की लेंथ देखिए, जितनी इस वीडियो की लेंथ होगी उतनी ही इसका साइज बढ़ेगा। मैं इसको छोटा करके देखता हूँ और प्ले करके देखता हूँ। आपने जो एनिमल वॉल साइकिल वीडियो में देखा था, जो उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था वो यही बैकग्राउंड म्यूजिक था, लेकिन वो इसका बीच का पार्ट था। मैं इसको डिलीट करता हूँ और उसी पार्ट को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे लाऊंगा। तो मुझे इसको यहाँ पर ड्रैग करके रखना है और यहाँ से मैं उस पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से वो वाला पार्ट शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ से पूरा पिक कर लेता हूँ, कट करके और इसको नीचे ड्रैग करके रख दूंगा। और फिर जहाँ से जो फ्लूट का साउंड आता है वहीं से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्यूटोरियल है ये प्रीमियर प्रो का ट्यूटोरियल नहीं है, ये सिर्फ इस चीज का ट्यूटोरियल है कि आप किसी भी स्टोरी को एनिमेट सीसी में क्रिएट करके प्रीमियर प्रो में ला सकते हैं और उसको साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। मैं इसी म्यूजिक को यहाँ पे रखूंगा। अब यहाँ पर हम इसकी जो वॉइस है, यानी कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉइस है वो ज़्यादा ही लाउड है, तो इसको मैं कम कर लेता हूँ। अब इस काउ की वॉल्क साउंड इफेक्ट लगाएंगे, तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर एक और साउंड इफेक्ट लेकर आऊँगा। यहाँ पे मैंने सभी साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक को डाल रखा है, तो मैं इजली यहाँ से ड्रैग करके रख दूंगा। यहाँ पे जो वॉल साइकिल का नाम है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसी नाम से आपको उन सभी फोल्डर्स में मिलेगा जिस फोल्डर को मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है, उस फोल्डर का नाम साउंड इफेक्ट है। आप वहाँ से इसको ढूंढिए और अपनी स्टोरी में यूज करिए। मैं यहाँ से ड्रैग करके सीधा यहाँ पे ले जाता हूँ और इसके ऊपर रख दूंगा। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ये वही वॉल्क हैं, ये उन्हीं वॉल के साउंड हैं। मैं यहाँ से प्ले करता हूँ और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले जाऊंगा और फिर इसे प्ले करते हैं। इसकी जो लेंथ है वो मैं पूरी कर देता हूँ और इसकी वॉइस को थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि इसकी भी साउंड सुनाई दे। तो मैं इसको अभी इतना ही कर लेता हूं। अब यहां पर हम बर्ड और कोयल की साउंड इफेक्ट लगाएंगे।
यहाँ से मैं बर्ड की साउंड इफेक्ट ले जाता हूँ और यहाँ रख दूँगा, फिर यहाँ पे ले जाकर इसको ट्रिम कर लूँगा जहाँ से मुझे वो साउंड चाहिए जो यहाँ पर इफेक्टिव हो। तो मैं यहाँ से प्ले करता हूँ। मुझे ये साउंड चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से यहाँ पर छोड़ दूँगा, सीधा यहाँ पर ड्रैग करके ले जाऊँगा और यहाँ पर छोड़ दूँगा और इसे प्ले करके देखते हैं और इसको बढ़ाकर फिर प्ले करेंगे। ओके, तो इसकी जो साउंड है और जो इसका साउंड इफेक्ट म्यूजिक है वो अब अच्छा सा फील हो रहा है। अब यहाँ पर हम कोयल की साउंड लगाएंगे। तो मैं इसको फिर से छोटा कर लेता हूँ और बाहर जाकर यहाँ से कोयल की साउंड यहाँ पर ड्रैग करके ला दूंगा और यहाँ पर रख दूंगा। फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं और यहाँ से उस साउंड को लेंगे जहाँ से कोयल की साउंड सुनाई देगी। मैं इसको प्ले करूँगा। मैं इधर से इस साउंड को लूँगा, तो यहाँ से ट्रिम कर लेना है, प्ले करना है, फिर इसको ड्रैग करके यहाँ से यहाँ पर रख दूंगा और फिर इस साउंड को थोड़ा सा मैनेज करूँगा। मैं यहाँ से इसका स्पेस बढ़ाऊँगा और पहले तो यहाँ पे प्ले करके देखता हूँ। इसको मैं थोड़ा आगे से और स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको बस इतना ही रखूँगा। इसका जो स्पेस है मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसका साउंड कम कर दूँगा। इसकी और साउंड कम कर देते हैं। अब सुनने में ऐसा फील हो रहा है कि जो गाय है वो कोयल की साउंड का जवाब दे रही है। जैसे ही कू करती है तो गाय भी आवाज करती है। अब यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज के लिए मैं इस पर ट्रांजिशन लगाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक करना है और ये जो अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजिशन आ रहा है इसको क्लिक कर देते हैं और इन सब की वॉइस भी हम कम कर देंगे। अब इसको प्ले करके देखते हैं। तो हमारा जो एनिमेशन है वो अब पूरी तरीके से बन चुका है। इसमें हमने साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और कुछ इफेक्ट दिए हैं जिसकी वजह से ये जो एनिमेशन है वो अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाऊँगा। एक्सपोर्ट में इसका नाम काउ एनिमेशन रख देते हैं। लोकेशन हम इसकी डिफॉल्ट रखते हैं और फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हमारी ये जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब इसे प्ले करके देखते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड बाय।